एंटी राम 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 नमस्ते आंटी। बैठ जाओ थोड़ी देर। आई राम जी। स्वाति, अब तो बहन से शादी कर ली, अब तो खुश है ना तू? हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, पर एक बात का डर है। किस चीज का डर है? आपके घर में माँ मुझे पसंद करेंगी कि नहीं करेंगी। अरे स्वाति, तू इस बात की चिंता क्यों कर रही है? अरे तू एक बार मेरे साथ घर तो चल, मेरी माँ तुझे इतनी देख के इतना खुश होगी ना, इतना खुश होगी बस मैं ही जान सकता हूँ। वो बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ, क्या आपने अपनी माँ को मेरे बारे में बताया था? नहीं, बताया तो नहीं था मैंने। यही तो गलती कर दी आपने, अगर अपनी माँ को बताया होता तो शायद मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि वो राजी हो जाती। अब पता नहीं वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, मुझे तो डर लग रहा है इसी बात का। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे भी विश्वास है ना तुम्हें, तुम एक बार मेरे साथ घर चलो। चलो अब घर पे। ठीक है चलो। आओ बैठो। चलो अबे यार निशान, तुम्हारी तो कोई सेटिंग भी ना, किसी दूसरे गांव में चले गया? जो पास वाला गांव है देख, आज स्कूल की छुट्टी होएगी, लोंडे वोंडे पड़ जाए खाली। भैया तुम्हारी सेटिंग हो रही है, तुम्हारे लक्षण है सेटिंग करने लायक? घूमे तो ऐसा जा 24 घंटे जैसा नशे में हो। तो सब हाल तो लुआंगा अभी, ऐसा ना होती है सेटिंग तेरी हो रही है जो तू इतना बोल रहा। भैया मुझे ना करनी सेटिंग वेटिंग, तू ही कर, तुझे ही शोभा दे यूं सब। अच्छा क्यों ना करनी भाई तेरे को सेटिंग? अबे भैया तू ये तो अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी ना। हाँ मैं अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है, और मैं तो सब भी कह रहा हूँ, तू कोई लड़की वड़की मत छेड़े कर आती जाती, वरना इतनी थुच्छी तैगी तेरी कोई पूछने वाला भी ना फिर। अबे चल मुझे ज्ञान मत दे, जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, फालतू तो बोले कर। तो भाई अमित किसे ला रहा पीछे बाइक पे बैठा के लोंडिया को? वो लाल टमाटर से हो रही है पूरी, देखा कैसे? देख अभी मैं तुझसे मना कर रहा हूँ और फिर छेड़न लगा तू किसी है। अबे भैया ऐसा बात भी मत ना करे किसी के बारे में उल्टी सुद्धी। अबे चल तू अपना काम कर, अमित से मैं ये लूंगा और आ देखेंगे भाई। चल भैया ले मजे तू, जब अमित तेरी थूत पीटेगा ना, जब पता पड़ेगी तुझे। और सुन मैं तो बचाऊंगा ना तुझे। अबे चल ये पीटेगा मुझे, देख आम दे इसे, अभी मजे लेता हूँ इससे। इसमें एक रैपट का दम ना, इसमें फूक मार दी ना तोड़ता जाएगा यो। अबे भैया मैं अभी कह रहा हूँ मान जा। अरे अमित अमित रुकिए यार, और कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ अपने, और कहाँ जा रहा हूँ? अरे ये सामान कौन है जिसे ले घूम रहा तू? अच्छा सामान बता रहा तू इसे, हैं? बिना पिटे मार नहीं आएगा तू, हैं? अरे अमित भाई मार क्यों रहा है, पूछ इतना हूँ कौन है यू, मुझे क्या पता यार। अच्छा तो बिना डायलॉग के बाज नहीं आने का, डायलॉग सुन के मानेगा? इधर आ साले, तेरी भाभी है यू, पैर छुप ली भाभी के। तुमने शादी वादी कब कर ली यार? मुझे ना पता, मैं तो सोच रहा कोई चेली वेली दिख है तुम्हारी, हमारा भी काम बन जाता। अच्छा पिटने के बाद ही बाज नहीं आ रहा है, मारू से या फिर? छोड़ दो ना, क्या मुंह लग रहे हो ऐसे लोगों के। अरे ना क्या छोड़ दूं, ये डेली पिटा है मेरे से, गांव की लौंडियों को छेड़ते रहे, मैं गंदी गंदी नजर रखे उन पर। ये देखियो एक यू भी तो लौंडा है, ये जो आ रहा है। अरे अमित भाई मैं भी तो ऐसे यू ही समझा रहा। और एक बात बता, तैने शादी कर ली? हाँ यार मैंने शादी कर ली, ये है तेरी भाभी। अच्छा और तैने बताया भी ना क्या तूने शादी कर ली, दावत वावत कहाँ है हमारी?
हाँ यार, तू दावत की क्यों टेंशन ले रहा है? एवं घर तो जान दे, दावत भी कर देंगे तेरी। पर यार तुझे सुधार तो सही, ये तो बिल्कुल न सुधर रहा। अरे अमित भाई यू ना सुधरे, अब भी भाभी को यूँ कह रहा कि लाल टमाटर से कहाँ से आ रही है। अच्छा अब भी लाल टमाटर बता रहा है? आज की बात कोई लड़की छेड़ता है देख ना लूं। अरे अमित भाई यार गलती होगी, अब तो तुमने दो तीन चाटे ही मार लिए, मुझे क्या पता ही। अब नु बताओ मुझे भी दावत से दे दो यार, इसे दोगे तो तुम। चल ठीक है पी लिए एक क्वार्टर, पैर छू अपनी भाभी के, माफी मांग। भाभी मुझे माफ कर दियो, मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। साले हाथ तो जोड़ ढंग से, ऐसा छू रहा है। अरे बस बस रहने दो भैया, ऐसे काम अच्छी ना होते, आगे से किसी को छेड़ना मत। ठीक है भाभी, अब ना छेड़ू मैं किसी को भी। वो भी तो किसी की बहन बेटी है। ठीक है भाभी, अब ना करूँ मैं ऐसे काम, अब मैं समझ गया। चल ठीक है, अब वहाँ बैठ जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर दावत दूंगा। ठीक है अमित भाई। चल भाई हैं। देख ले मैं तो उससे कह रहा ना कि लड़की ना छेड़िए, पर तू मान ही ना मेरी, पिटा ना पिटा तू। अरे हाँ भाई यार तो ठीक कह रहा, ऐसे किसी को छेड़ना सही ना होता। आज से ध्यान रखियो मेरी बात, छेड़ियो मत किसी लड़की आज के बाद। ठीक कह रहा यार तू, आज के बाद ना करूँ ऐसे काम। अरे भैया ये आप किसे ले आए आज? अरे तेरी भाभी है। क्या भाभी, आपने शादी कर ली? हाँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ नीचे। अरे क्या हो गया? नीचे आओ ना, खुद ही देख लो क्या हो गया। तो गुस्सा क्यों हो रही है ना? मम्मी को आने दो बस। क्या हो गया? देखो शादी कर लाए भैया। तूने शादी कर ली? हमें बताया भी नहीं। नालायक ये क्या कर लाया तू? अरे माँ तुम भी तो मेरी शादी कराती, और वैसे मैंने सेठी से प्यार करता हूँ, अगर मैंने शादी कर ली तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और देखना कितनी सुंदर है। अरे हरामजादे तू इसको कहाँ से उठा लाया? तूने तो हमारी गांव में नाक कटवा दी, अब गांव वाले हम लोगों को क्या कहेंगे? माँ तुम तो ऐसे कह रही हो कहाँ से उठा लाया, ये कोई कूड़ा कवाड़ा है ये। अरे मैंने शादी की है इससे, मेरी बीवी है। बीवी तेरी बीवी है नहीं हूँ। एक काम कर इसको लेके निकल जा, मैं नहीं रखूंगी इसको। अगर तू मेरी पसंद से शादी करता ना जब मैं तुझको रखती, एक काम कर निकल जा इस घर से। माँ इसका मतलब तुम हमें रखोगी नहीं इस घर में? नहीं रखूंगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना, हम दोनों इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे, हम दोनों अभी इसी वक्त जहर खा के दोनों मर जाएंगे। अरे भाई तू मरे मत ना, तू मुझसे पूछता तो सही, तू मेरी सलाह तो लेता इससे शादी करिए, शादी करनी या ना करनी। मम्मी अब रहने तो कोई बात नहीं, जब भैया शादी कर ही लाए तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमारी नाक कटी गई है। मम्मी स्वाति ना बहुत अच्छी लड़की है, एक बार तुम इसे अपना के तो देखो, ये बहुत संस्कारी लड़की है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी ये। मुझे ना करवानी कोई सेवा, पर मैं तेरी जिद के आगे झुक रही हूँ, जा ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। एक लड़का वो भी मरने की धमकी देवे, मैं मर जाऊंगा। अब मम्मी छोड़ो ना, टेंशन क्यों ले रही हो, अब भैया ने शादी कर ली, अब इन्हें घर से निकाल तो सकते नहीं, अब माफी करना पड़ेगा आपको। अब क्या करें, नाक तो इसने कटवाई दी, अब नहीं कर सकते कुछ भी, मरने की धमकी और दे वे कि मैं जहर खा लूंगा। ले आया इस कूड़े कबाड़ को, पता नहीं किस खानदान की है किसकी नहीं है, कहां से लेके आया, क्या है कैसे है कुछ नहीं पता, पर मैं इसको तो बाद में बताऊंगी। अब छोड़ो मम्मी, टेंशन क्यों ले रही हो, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ तुम कमरे में चलो, मैं भी आता हूँ। वो मेरे दोस्त खड़ा है ना, वो पार्टी वार्टी मांग लेते, उन्हें पार्टी वार्टी देकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और हाँ, जो माँ ने बोला ना उस बात का बुरा मत मानना। नहीं जी, मैं बुरा नहीं माननी, पर आखिर हमने जो किया वो गलत तो है ना, उस बात के लिए तो हर कोई गुस्सा होगा। स्वाति मुझे पता तुम बहुत समझदार हो, चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। आप जल्दी आना क्योंकि माँ जी तो गुस्सा है ही, अगर आप नहीं होगे तो पता नहीं माँ जी क्या नहीं बोलेंगी। अरे वो कुछ नहीं कहेगी, तुम जाओ ठीक है, मैं आता हूँ। मम्मी परेशान क्यों हो रही हो तुम? अरे भैया कहाँ चल दिए तुम उन्हें छोड़ के? अरे आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कहीं जा रहा हूँ काम से। बस किसी की नहीं सुननी है इन्हें, अपनी चलानी है इसको तो, अब और सर पे चढ़ेंगे। चलो ऊपर देखते क्या कर रही है, चल। कहाँ है ये महारानी? वही होगी अंदर, वही छोड़े गए भैया कमरे में। लगिए जरा इसे बुला के। मैं तो ना जा रही हूँ, बुला लेंगे। नाम क्या आता है इसका? सर स्वाति नाम बता। स्वाति, स्वाति, अरे ओ स्वाति, सुनता ना आके से? कान भैरे हो रहे हैं इसके। जी माँ, सुना ही ना देता तुझे। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठी थी, बताइए माँ जी आपको। ओ सुन, मेरा लड़का तुझे शादी करके तो लेके आ गया, पर सुनेगी तू मेरी? अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगी, आ गई तेरी समझ में? जी माँ जी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। लगता तो नहीं है मुझे तू मेरी सुनेगी। और हाँ, यहाँ जो जितना भी सामान है ना, किसी भी सामान के हाथ मत लगा दियो मुझसे बिना पूछे। ठीक है माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, पता नहीं कहाँ से आगे उठ के, पता नहीं मेरे लड़के को कैसे जाल में फंसा लिया। माँ जी मैंने कोई जाल में नहीं फंसाया, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हमने शादी की। मैं अच्छे से जानू तुम जैसी गरीब लड़कियों को, अमीर लड़का देखा ना तुम्हें उनको बस फंसाने की लगी रहे। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हो। जा चली जा अंदर, वो तो मैंने अपने लड़के की जिद की वजह से रख लिया तुझे, वरना मैं तुझे एक मिनट ना झेलू। जा चल यहाँ से। चल बे बाबू। अरे निशांत यार, कहाँ रह गया मित्र? 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, मुझे क्वार्टर की ओर क्या, मुझे अड़क लग रही है क्वार्टर की, फोन करो उसे। अरे भैया फोन करने की जरूरत ना है, आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा यार, अब तक तो आया ना, आओ 2 घंटे ज्यादा हो गया, मैं 3-4 चाटे और मार गया यार मेरे में, अब देख क्वार्टर तो चाहिए चाहिए मुझे उससे। अरे भैया देख वो आ रहा। अरे हाँ आ तो रहा। अरे अमित यार तूने बड़ी देर लगा दी यार आने में। अरे देर क्या यार, तुझे पता घर पर जाने पे देरी लग जावे। चलो बैठो, चलो पिलवा के लाऊं तुम्हें। अरे भैया वैसे क्या बात होगी, क्यों आया इतनी देर में? अरे हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ तुझे क्या हुआ। इस लड़की से मैं प्यार करता था और हम दोनों लव मैरिज की है, अब मैं घर में ले गया ना तो मैं घुसा ना रही घर में, बड़ी खुशामंद करी है, बहुत रिक्वेस्ट करी है, जब जाके घर में घुसी है, बड़ी मुश्किल में मानी है माँ। अरे भैया मान तो गई ना? आप तो खैर मान गई, चलो बैठो पिलवा के लाऊं यार तुम्हें। तुम अरे अब क्या है, पहले तो ये बड़ी होड़ा समझ रही, बैठना अब। हाला मारते रहे जब भी देखो। निशान अब तो कोई लड़की ने छेड़ी इसने? अरे नाना अब ना छेड़ी, अब तो सुधर गई हो। अब मैं छेड़ी कोई लड़की? अरे हाँ यार ठीक है, तुम ये क्वार्टर पिलवा ला मेरा। चलू? चल भैया यार और क्या, क्वार्टर पी पी का तो बेकार हो लिया यो।
अरे माँ जी आप हट जाओ, मैं धो लेती हूँ बर्तन। बर्तनों के हाथ ना लगा दिए, पता नहीं कहाँ से आई है कहाँ से ना आई है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। अरे माँ जी आप कैसे बोल रही हो, माँ जी जब मैं इस घर में रहूंगी तो सारा काम भी कर लूंगी, आप क्यों कर रही हो? हाथ लगाने की जरूरत ना, बोल दिया ना तुझसे। माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हो, जो आप बोलती हो वो मैं करती हूँ ना। पर माँ जी अच्छा थोड़ा लग रहा है जो आप बर्तन धो रही हो। माँ जी इस घर में रहूंगी तो सारा काम मैं ही करूंगी ना। अच्छा तो तू मेरा सारा कहना मानती है, एक काम कर तू इस घर से निकल जा, अगर तू मेरा कहना मानती है तो। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो, मैं आपकी बेटी की बीवी हूँ और आप क्या बोले जा रही हो। बीवी है ना तू उसकी, जा अंदर चली जा कमरे में, खुद कर लूंगी मैं काम। ये मेरे पास बर्तन धोने, मैं इससे ही तो करवाऊंगी काम, अभी इतनी बुढ़िया थोड़ी हुई हूँ, अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। आज मैंने स्वाति से ना ब्रेड पकोड़े बनवाए हैं, आज खा के देखना कैसे बनाती है वो, बहुत अच्छे बनाती है वो। तू ही खा ले उसके हाथ के, मुझे ना खाने। अरे माँ तू अब भी नाराज है क्या उससे, देखो ली आई। तू ही खा लिए, मुझे ना खाने उसके हाथ के। अरे माँ एक बार खा कर दे, माँ को दे। अरे माँ तू ना खा रही तो मैं खा लूंगा, तू तो ड्रामा दिखा रही है। तू ही खा। मैं ही खाऊंगा। अरे माँ वो खा कर दे, तेरे मुंह में पानी आ जाएगा। ले मैं ना खा रही, तू ही खा ले। अरे माँ खा कर दे, कब तक नाराज रहेगी। मुझे ना खाने इसके हाथ के, तू ही खा ले। मैं ही खाऊंगा। मुझे कुछ काम है बाहर, मैं अभी आ रही हूँ। ले तू खा ले। भाभी ब्रेड तो आपने बहुत अच्छे बनाए, सच में बहुत अच्छे हैं। स्वाति ऐसे कर तू भी खा ले। बैठो ना भाभी। बैठ जा, माँ गई, बैठ जा। नहीं नहीं आप खाओ, मुझे कुछ काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद खा लूंगी। चलो भाभी जो हुआ सो हुआ, आप मम्मी की बात करना बुरा मत माना करो, सुधर जाएंगी। कोई नहीं मैं जाके काम कर लेती हूँ। ठीक है। वैसे भैया भाभी ना बहुत अच्छी हैं, और मम्मी का क्या है, मम्मी भी मान जाएंगी कुछ दिनों बाद, थोड़ा सा ही तो नाराज है। एक बात बताओ भैया। पहले मुझे भी लग रहा था कि भाभी अच्छी नहीं है, पर जब मैंने उन्हें देखा ना वो बहुत अच्छी हैं, घर का सारा काम करते हैं, मम्मी से कुछ कराती नहीं है, मम्मी फिर भी उनसे नाराज रहती हैं। अरे वो भी सुधर जाएगी कुछ दिन रुक जा, अब तो ये पता चल गया ना तेरी भाभी अच्छी है। बहुत अच्छी है। बस भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ कैसा आना हुआ था? भाई साहब आपको क्या बताऊं, अमित ना शादी कर लाया। क्या? हाँ पता नहीं कहाँ से ले आया उसको, और कल शादी करके लाया है। अब हमारे गांव में तो नाक कट गई, सब जगह हमारी थू थू हो जाएगी। अब तुम ही बताओ भाई साहब क्या करूं क्या ना करूं। अरे ये क्या कर दिया अमित ने, और भाभी तुम भी आज बता रही हो, कल क्यों नहीं बताया आपने? भाई साहब कल ना मुझे टाइम ना मिला था इसलिए मैं आ जाई हूँ, काम ना बहुत है घर में। भाई साहब आपसे एक बात बोलूं, अमित ना जहर खाने की धमकी और दे रहा मुझे, मैं तो रखने को तैयार ही ना थी उसे, फिर मुझे उसके आगे झुकना पड़ा। अब मैं क्या करूं, पता नहीं कहां से उठा लाया उसको। अब भाई साहब तुम ही बताओ मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में ना आ रहा। वैसे अब क्या करें, उसने कर लिया तो कर लिया, अब ये बताओ बहू कैसी है वैसे? कैसी होती बहू, ठीक ही है, पर मैं उसे रखना ना चाह रही, मैं चाह रही हूँ वो इस घर से चली जाए, अमित की जिंदगी से चली जाए। भाभी अब तो तुम्हें निभानी पड़ेगी, उसने जो कर लिया तो कर लिया, अगर उससे तू कुछ कहेगी, तेरा इकलौता तो बेटा है, यदि उसने कुछ कर लिया तो फिर क्या होगा, अब तो उसे अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसे अब कुछ मत कहिए, उसे प्यार से रह, अब मैं तो तेरे से इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है ना? आगे तेरी मर्जी। सही कह रहे हो भाई साहब तुम, चलो चलती हूँ भाई साहब।
अच्छा ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। और हाँ सुनो, उसे प्यार से रखियो अब। ठीक है। पता नहीं मम्मी भी कहाँ चली गई, इतना टाइम हो गया अब तक नहीं आई। अरे मम्मी कहाँ गई थी, आ गई? कहीं ना बेटा, मैं तेरे चाचा के गई थी। अच्छा पूजा, स्वाति कहाँ है? वो तो ऊपर अपने कमरे में, बुला के लाइए। भाभी भाभी नीचे आओ, मम्मी बुला रही भाभी। और खाना खा लिया तूने? अभी कहाँ खाया, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। आप पता नहीं कहाँ चले गए, इतनी देर से आ ही नहीं रहे हो। कहीं ना बेटा, बस तेरे चाचा के पास गई थी घूमने। बेटा स्वाति इधर आ। जी माँ जी। स्वाति एक बात बोलूं, अब तुम दोनों ने शादी तो कर ही ली है, जैसे और बहू करती हैं अपनी सास को मारना पीटना, खाना ना देना, घर से निकाल देना, तू ऐसे तो नहीं करेगी? माँ जी आप कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ जी आपको पता है मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मैं तो अपने चाचा चाची को माँ बाप मानती हूँ, पर जब से आपको देखा है और आपसे मिली हूँ, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो। अमित ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, किसके माँ बाप नहीं है? हाँ मम्मी, ये अपने चाचा चाची के पास रहती थी और वो इसे बहुत परेशान करते थे, जब तो मैंने शादी करी है सर। ये बात तो तू मुझे पहले भी बता सकता था, अगर तू मुझे पहले बता देता तो मैं इससे तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। स्वाति आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। माँ जी आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, हमने ही गलती करी है। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे बेटी की तरह रखूंगी। मम्मी इतनी जल्दी तुम सुधर कैसे गई, मुझे लगता तुम चाचा के यहाँ गई थी, उन्होंने सुधारा तुम्हें, चाचा हमारा बहुत बढ़िया है। हाँ अमित मैं उनसे ही मिलने गई थी। चलो तुम सुधरी, पर थोड़ा लेट सुधरी मम्मी, पर सुधर तो गई। चलो अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, अब हम सब साथ में खुश रहेंगे। हाँ बेटी।